गणेश सर, तो कल हम लोग कहाँ पर थे? कल हम लोगों ने वेलोसिटी की बात करी थी, डिस्टेंस की बात करी थी, एवरेज वेलोसिटी की बात करी थी और स्पीड की बात करी थी, ठीक है? इन सब की हम लोगों ने बात करी थी। देखो, जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट से या वेलोसिटी के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। मेनली जो काइनेमेटिक्स है, जो सबसे ज़्यादा काइनेमेटिक्स में नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या नीट से पहले जो सीपीएनटी हुआ करती थी उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ से पूछे जाएंगे, या फिर तुमसे वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, ठीक है? और ऐसे ही हमारा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, उसे हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण, उससे क्वेश्चन मेनली ज़्यादा से मात्रा में पूछे गए। अब देखो, हम लोग काइनेमेटिक्स में ही पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वन डायमेंशन, यही तो पढ़ रहे थे। वन डायमेंशन के बाद में टू डायमेंशन आएगा, ठीक है? सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कल तुम लोगों को कुछ होमवर्क बताया था, परसों मैंने तुमसे कहा था कल तुम्हारी छुट्टी भी है, और तुम में से कोई 5 बच्चों ने भी नहीं दिखाया, सही है? क्योंकि मुझे पता है किसने देखा है, मुझे ये तक पता है। तुम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें ये तक पता चल जाता है किसने देखा है पर्टिकुलर बंदा, कि हाँ इस बंदे ने देखा है, कितने टाइम देखा है, कितने बजे देखा है और कितने टाइम तक कंटिन्यू देखा है, उसके बाद में फिर बैक करके फिर देखा है, सही है? तो वही है, हाँ, टीचर से कोई बात छुपती नहीं है। तो मैंने तो आपके भले के लिए कहा था, आज उसकी जरूरत पड़ेगी काफी ज्यादा। चलो आप बताओ, सबसे पहले मैं थोड़ा कल की बात करता हूँ, फिर हम लोग अगले धीरे धीरे चालू स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे बताओ, सर्कुलर में मैंने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या बताया था? जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या बताया था? बहुत अच्छे, 2r sin θ / 2, यही तो बताया था। डिस्प्लेसमेंट के साथ में मैंने डिस्टेंस का क्या फार्मूला बताया था? 2πr। अरे जल्दी बोलो, मुंह में क्या दही जम गया? 2πr, फिर 2πr, फिर थीटा। ये तब था जब थीटा हमारा किसमें होता था? अगर रेडियल में होता था तब हमारा फार्मूला क्या था? आर थीटा। रेडियल में होता था तब हमारा फार्मूला क्या आता था? आर थीटा। ये हमने कल बात करी थी। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि डिस्टेंस, मुझे बताओ क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? तुम तीनों बताओ, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? आप पांचों बताओ बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? डिस्टेंस कल आए थे, सब पहले दिन आए हो। अच्छा, तो तुम चारों बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा होंगे, ठीक है? जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी पार्टिकल मेरा मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? इक्वल। अगला क्वेश्चन, अगला था एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, ठीक है? अच्छा, एवरेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। चलो ठीक है, अब हम लोग अगले पढ़ते हैं, कल ज्यादा नहीं पढ़ाया था, अब हम लोग अगले पढ़ते हैं। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर हम लोग इसे बोले तो हम इसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, ठीक है? इसका फार्मूला जो होता है वो होता है ds/dt, जहां जो s होती है दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है? s दूरी होती है, ये होता है ds/dt। ऐसे ही फार्मूला एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया?
तात्क्षणिक, बोलो तात्क्षणिक अच्छा ऊपर चाल हो गया है, स्पीड को चाल बोलते हैं। अच्छा तो इसे हम लोग चाल बोल देंगे और इसे बोल देंगे हम लोग वेग, तात्क्षणिक वेग। देखो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो भी होता है डीएस ओवर डीटी, बस अंतर ये है एस यहाँ पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है अब एक चीज जरा समझ सर, ऐसा है तात्क्षणिक का मतलब क्या है, तात्क्षणिक का मतलब होता है तुरंत, जो बहुत जल्दी घटित हो उसे बोलेंगे हम लोग तात्क्षणिक। जैसे सर समझ में नहीं आया, जैसे मान लो मैंने कहा तुमने यहाँ से साइकिल चलाना स्टार्ट किया अपने घर तक, अब तुमने कुल दूरी निकाल ली अपॉन कुल समय कर दिया, तो कुल दूरी बटे कुल समय क्या हो जाएगा औसत चाल, क्या हो जाएगी औसत चाल। ठीक है कुल विस्थापन और बटे कुल समय कर दिया तो क्या हो जाएगा औसत वेग हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। अब मैंने कहा तुमने मान लो किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में यानी कि बहुत कम समय के लिए तुमने एकदम से पैडल मारना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही तुमने पैडल मारना स्टार्ट किया तुम्हारा एकदम से वेग बढ़ गया, तो बहुत छोटे समय में, बहुत छोटे समय में जो तुमने डिस्प्लेसमेंट लिया वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तुम्हारा क्या कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है छोटा सा टाइम में, छोटे से टाइम में, ध्यान रखना छोटे से टाइम में एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ये तुम्हारी हो जाएगी। सही है इसके बाद में अच्छा सर ये क्या होता है सर जी ये क्या है, ये है बेटा डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवकलन। ठीक है हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवकलन, और डिफरेंशिएशन अगर तुमको नहीं आता है या इंटीग्रेशन तुमको नहीं आता है तो तुम ये समझ जाओ कि फिजिक्स में तुमसे हर चैप्टर में जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर में तुम्हें परेशानी होने वाली है, तो इसीलिए अवकलन और समाकलन तुम्हें आना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था तुमसे तुम लोग वीडियो देख लेना। ठीक है अब देखो अब मैं बात करता हूं बेटा एसिलरेशन की, एसिलरेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्वरण। सर जो एसिलरेशन है वो तीन प्रकार का होता है, पहले एसिलरेशन होता है पॉजिटिव, एसिलरेशन नेगेटिव भी होता है और एसिलरेशन तुम्हारा जीरो भी होता है। ठीक है एसिलरेशन का जो सिंपल फार्मूला है यानी कि त्वरण का जो सिंपल फार्मूला है इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है चाहे ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो डीवी ओवर डी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है वेग में परिवर्तन बटे समय, ध्यान रखना। हाँ तो एसिलरेशन का होता है, एसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है वेग में परिवर्तन बटे समय यही हमारा क्या होता है एसिलरेशन। अब देखो एसिलरेशन पॉजिटिव कब होगा, एसिलरेशन पॉजिटिव कब होगा सर, अगर मैं इसे खोल के देखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं बी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है बी माइनस यू अपॉन टी, या तुम यहां पर चाहो सर हम तो ऐसे लिखेंगे टी टू माइनस टी वन। ठीक है सबसे पहले दिमाग में एक बात हमेशा डाल दो कि समय कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, समय कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सर बी क्या होती है, बी होता है अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होता है इनिशियल वेग, ठीक है प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का जो अंतर होता है और यहां पर जो समय का अंतर आएगा उसको अगर तुम डिवाइड कर दोगे या भाग कर दोगे तो हमारा क्या आएगा त्वरण आएगा। अब तुम जरा एक बात सोचो सर अंतिम वेग का मतलब क्या है, अब जरा सोचना सर पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तो ये तभी होगा जब ये ज्यादा होगा, अगर ये कम होगा क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक रहेगा। इसका मतलब ये है कि सर अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग से,
अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा ये हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव कब रहेगा? नेगेटिव ये तब रहेगा जब अंतिम में कम हो जाए किससे, प्रारंभिक वेग से। सोचो जरा, अगर बी कम हो गया प्रारंभिक वेग से, ठीक है, तो तुम्हारा ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जीरो कब रहेगा? जीरो तब रहेगा जब वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हो यानी कि बी यू के बराबर हो, यानी कि बी और यू में कोई परिवर्तन ही ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई चीज चल रही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया एक समान वेग से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी यानी कि एक समान वेग होगा, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन हमारा हमेशा क्या रहेगा, एक्सेलरेशन हमेशा हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अब सर जी देखो, अब बात समझने की कोशिश करो इसमें। जैसे मान लो मैंने क्या किया, तुम लोगों ने अपनी बाइक स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट करने के बाद तुमने रेस देने लगे। अगर रेस दोगे तो जो गाड़ी की जो स्पीड है यानी कि जो वेग है वो बढ़ेगा पहले से। अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, अंतिम वेग बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो अंतिम वेग बढ़ेगा प्रारंभिक वेग से, तो हमेशा क्या रहने का है, पॉजिटिव रहने का है। अगर तुमने क्या किया, तुमने ब्रेक मारे गाड़ी में, अगर तुमने गाड़ी में ब्रेक मारे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका वेग में कमी आएगी। अगर वेग में कमी आएगी तो हम कहेंगे हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब तुम एक स्पीड से गाड़ी चलाए जा रहे हो, ना कम कर रहे हो और ना बढ़ा रहे हो, तो हम कहेंगे हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब मैं जैसे एक कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो पूछता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे, जैसे मान लो ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है, आप देखो कैसे आंसर दोगे। पीछे बेटा चारों लोग होते हो, ठीक है, आप लोग एक बार बताओ, तुम लोग मान लो अगर कोई चीज तुमने ऊपर फेंकी, मैंने कहा तुम्हें, मैंने तुम्हें एक बॉल दे दिया, एक स्टोन दे दिया, पत्थर दे दिया, मैंने कहा ऐसे ऊपर फेंको, तुमने उठा के उसे ऐसे ऊपर फेंका, तो जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका वेग कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा वैसे वैसे वेग क्या होगा, और एक टाइम पर जाके क्या हो जाएगा, जीरो। एक टाइम पर जाके क्या हो जाएगा, अब मुझे बताओ अगर वेग में कमी हो रही है इसका मतलब त्वरण क्या होना चाहिए, त्वरण क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, नेगेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तब तुम्हारा त्वरण क्या होगा, नेगेटिव। आप जरा सोचो, अब तुम मान लो 10th फ्लोर पे चली गए और 10th फ्लोर से तुमने कोई स्टोन को ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब छोड़ दिया, अगर छोड़ोगे तो जैसे जैसे कोई स्टोन नीचे आएगा वैसे वैसे उसके वेग में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा। अगर वेग बढ़ेगा तो हम कहेंगे हमारा वेग बढ़ रहा है यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हमारा है पॉजिटिव। जैसे ये, अच्छा ये तुम्हारा त्वरण का एक सिंपल सा फंडा हो गया। ऐसे ही मेरा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे तुम्हारा वेग था उसी तरह से ये तुम्हारा त्वरण होता है जिसे हम लोग कहते हैं डीवी ओवर dv/dt, जैसे यहां पर लिखा हुआ dv/dt, ये होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये त्वरण होता है। ठीक है, फार्मूला होता है a = dv/dt, सिंपल सा ये तुम्हारा ऐसा फार्मूला होता है। ठीक, अब चलो इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। किताब उतार लाए हैं, चलो इसे उतार लिया, है कुछ नहीं इसमें, खाली बस यही था।
कर लिया। अब चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चंस करा। जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन में अगर दे दिया गया, तुम्हें क्वेश्चन में मान लो डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा 2t² + 3t + 4 आपसे, ठीक है, ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दे दिया गया। उसके बाद में तुमसे पूछा गया इसी के अंदर फाइंड करना है तुम्हें वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, कि बताओ 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो। ठीक है, सिंपल सा मैंने तुम्हें क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मैंने तुमसे क्या पूछा वेलोसिटी। अब यहां पर देखो सिर्फ कितने सेकंड पर पूछा गया है, सिर्फ 2 सेकंड पर पूछा गया, ना उसे 2 सेकंड से इधर से मतलब है, ना 2 सेकंड के उधर से उधर। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि तुम जानते हो ये वेलोसिटी में तो तभी कन्वर्ट होगा जब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन करूंगा। ठीक है, अब पता है टेंशन एक है, टेंशन एक पड़ जाती है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, कि जब तुमने अभी टेंथ किया था, ठीक है, भी तुम लोग टेंथ करके ही आए हो, टेंथ के बाद में तुमसे मैथ छूट जाता है, जितने भी लोग हो सबसे टेंथ के बाद मैथ छूट गया, और टेंथ के बाद में जब बच्चा 11th या फिर 12th में आता है तभी वो अवकलन और समाकलन पढ़ता है। टेंथ में अवकलन समाकलन है ही नहीं, टेंथ में ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का थोड़ा सा पार्ट है और बड़ा पार्ट भी नहीं है, ये दिक्कत पड़ जाती है। तो हम लोगों के लिए अलग से ये सीखना पड़ता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोगों को अलग से सीखना पड़ता है। अब देखो ये कैसे होगा, डी ओवर डी टी, एस की जगह ये पूरा रख दिया 2t² + 3t + 4 कर दिया। यहां पर मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, टी के रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 की पहले 2 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया 2 × 2 = 4, और एक पावर कम कर दो, 2 में से एक कम हुआ तो कितना बचा, यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो क्या है 1, 1 की 3 से गुणा हुई तो 3, और एक पावर कम किया तो कितना हो गया, और जहां पर t नहीं होता है, जैसे यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, जहां t नहीं होता है उसका इंटीग्रेशन ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये मेरा जो आया वो आया 4t + 3, क्योंकि किसी की पावर 0 का मान हमेशा और हमेशा 1 होता है, तो t की पावर 0 का मान भी क्या होगा, 1 होगा। अब संजीव ये मेरी वेलोसिटी का फार्मूला है, मुझे कितने टाइम पर पूछा है 2 सेकंड पर, इसमें 2 सेकंड लग दिया, 4 × 4 = 2 + 3 × 4 = 8 + 8 = 3 = 11 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, तो हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोगों से तभी हो सकते हैं जब हम लोगों को अवकलन और समाकलन आता है, अवकलन और समाकलन। अवकलन और समाकलन आएगा तभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे, और जो क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं वो इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आज देख लो तभी हम कल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर आज मैंने इस क्वेश्चन के अलावा तुम्हें 4-5 क्वेश्चन और कराए उसके बाद में तुम सर पे हाथ सर पे रख लोगे और कहोगे कि फिजिक्स बहुत हार्ड है। ठीक है, जो बायोलॉजी वालों का एक माइंड सेट रहता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, इस बार का पेपर कितना सरल आया था। मैंने जो रिवीजन करवाया था उसमें से तुमने कितने क्वेश्चन आए थे, कभी ऐसे ऐसी होने का थी। और मैं कहता जाता था, रिवीजन करवाता था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और सब वहीं से आएगा। जब मैंने पेपर देखा, सेटिंग किया था बच्चा ने पेपर देखा तो फादर जबरदस्ती खेत में ले गया, चलो खेत में। अब मैं उनसे कहने वाला था पेपर सॉल्व करना है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई यानी कि पेपर सॉल्व करना, चलो रह गया। अब मैं चुपके से वो कागज और पेन रख के ले गया, मैं दूर हट के आराम से पेड़ नीचे बैठ के मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट किया, मैं जल्दी से बच्चों के लिए बोल देता हूँ आंसर की, तभी थोड़ा टाइम लग गया था, आई थिंक 1 घंटा से ऊपर लग गया, एक घंटा नहीं लग गया था तभी पेपर सॉल्व करने में फिजिक्स का, नहीं तो आराम से टेबल पर बैठते तो 40 मिनट में हो जाता, इतना सारा पेपर। ठीक है,
अब ये हो गया, सही है, ठीक है, ठीक है। मैं तभी कल क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आएगा ही क्वेश्चन से, तो देख लेना तुम लोग। और कल अगर नहीं देख पाओगे और तुम्हारे फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा तो उसकी जिम्मेदारी फिर तुम्हारी है, ठीक। अब देखो उसके बाद सर जी, इसका यूज तो हर जगह होगा, हर चैप्टर में, और ये चीज हम नाइन्थ में भी पढ़े, इलेवेंथ में भी पढ़े, दोनों जगह पढ़े, नाइन्थ में भी और इलेवेंथ में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इन्हें हमने सिद्ध कर करके देखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन सिद्ध कर करके। पहली जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है बी इक्वल टू यू प्लस ए, हाँ, कभी दिमाग में ये वैसे डाल लेना, कभी जैसे ए बी सी डी रट गई है तुमको ऐसे। सेकंड है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। थर्ड है बी स्क्वायर बराबर प्लस टू ए, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन है एस एन इच कल टू यू प्लस ए वाई टू टू एन माइनस, ठीक है। ये चार इक्वेशन है, चारों की चारों इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, जहां बी क्या होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग को क्या बोलेंगे हम लोग फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ए क्या है एक्सीलरेशन त्वरण, एक्सीलरेशन हिंदी में बोले तो त्वरण, टी को मतलब टाइम है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, एस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चारों की चारों इक्वेशन कभी दिमाग में लगा, और किस जगह ये इक्वेशन यूज होगी वो मैं तुमको बता रहा हूं। तुमसे क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, अगर तुमसे क्वेश्चन में जैसे मान लो पहला इक्वेशन ये है मेरा, पहले इक्वेशन में तुम्हें बी भी पता है, यू भी पता है और टी भी पता है, और तुमसे उसने एक्सीलरेशन पूछ लिया। अब सोचना बी पता है, यू पता है और टी पता है, और पूछा क्या एक्सीलरेशन, तो क्या तुम ये वाला इक्वेशन लगाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें एस नहीं पता है, क्या नहीं पता है एस, बात समझ आ रही है। अब मान लो तुम्हें इक्वेशन में जो तुम्हें दे रखा है, यानी कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तुम्हें एस भी दे रखा है, यू भी दे रखा है और टी भी दे रखा है, और तुमसे कहा है बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, तो कौन सी लगाओगे? कैसे क्या इसमें मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, तो कौन सी लगाएंगे हम लोग? तो हम दूसरी इक्वेशन, ठीक है। एक्चुअली हम लोग कहाँ कंफ्यूजन होते हैं, मेनली हम लोग कंफ्यूजन यहाँ होते हैं। अब तुमने क्वेश्चन देख लिया, अब तुम्हारे क्वेश्चन देख के यही समझ में नहीं आ रहा इसमें इक्वेशन लगाऊंगा कौन सी लगाऊंगा, सही। तो वो तुम्हें तभी तुम देख सकते हो जब तुम्हें पहले तो चारों इक्वेशन याद हो, चारों इक्वेशन याद हो, उसके बाद में तुम ये देखो क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। जो दिया है वो इनमें से कौन सी इक्वेशन में है, जिस इक्वेशन में है उसी इक्वेशन में रख दो, आराम से निकाल लो, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी इक्वेशन में तुम्हारे लिए बी भी पता है, ए भी पता है और यू भी पता है, और तुमसे एस पूछा है, अब मुझे बताओ क्या मैं इसमें रख सकता हूं? जहां पर भी एस चाहे क्वेश्चन में दे रखा हो, चाहे तुमसे पूछा हो, चाहे दे रखा हो चाहे पूछा हो, फर्स्ट वाली तो लाना मत बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट वाली में एस है ही। ये दो बचे, इस दो में ये देखो तुम्हें क्या दिया है अंतिम वेग दिया, क्या इसमें अंतिम वेग कहीं आता है? तो तुम्हें फिर यही इक्वेशन लगानी पड़ेगी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, यही इक्वेशन तुम लगाओ, ठीक है। ना ये लगा सकते ना ये लगा सकते, सिर्फ तुमको ये इक्वेशन लगाना है और कोई चारा नहीं। अब सर जी ये वाली इक्वेशन कब आती है? इस वाली इक्वेशन से मुझे लगता है इस बार कम से कम चांसेस हैं, जो नीट क्वेश्चन पूछेगा इस बार, जो नीट पूछेगा वो 60% चांस है वो इस बार इस इक्वेशन से क्वेश्चन उठा कर पूछेगा, ठीक है। नहीं तो जब पेपर हो और आएगा तो तुम देख लो, तो तुम कहोगे कि हाँ सर जी इससे पूछ लिया गया था क्वेश्चन और हम कर नहीं पाए, वो बात अलग है, आपने बताया था कि हाँ इससे क्वेश्चन हो आएगा। देखो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन का पहले मतलब समझो, ऐसा है जैसे मान लो मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा, ड्रॉप किया। अब जरा सोचना, अगर तुम किसी भी चीज को ड्रॉप करोगे, ठीक है, किसी भी चीज को
ड्रॉप का, और हिंदी में क्या लिखा होता है, विराम अवस्था से छोड़ना, इंग्लिश में क्या लिखा होगा, ड्रॉप करना, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज को ड्रॉप करोगे या विराम अवस्था से छोड़ोगे तो इसका मतलब ये हो गया, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि यू हमेशा क्या रहेगा इसका, जीरो। अब मैंने अगर इसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद मैंने कहा मान लो यहां से यहां तक आने में इसने 4 सेकंड लिए, मान लो वैसे तो लेगा तो नहीं, 4 सेकंड लिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मान लो 4 सेकंड लिए। ये इक्वेशन कब लगेगी, ये इक्वेशन तब लगेगी जब तुमसे पूछेगा nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। nth सेकंड का मतलब क्या है, n वे सेकंड में, जैसे तुमसे पूछा गया दूसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में। अगर तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में, तो तुम कौन सा लगाओगे, ये। अब पल्ले नहीं पड़ता कैसे, किधर देखो, जीरो, ये पहला सेकंड में चले, पहला सेकंड यहां तक हो गया, यही तो डिस्टेंस होगी पहले सेकंड में। अब मैंने तुमसे कहा दूसरे सेकंड में कितनी चली, दूसरे सेकंड में, तो पहले सेकंड में ये चली और दूसरे सेकंड में मान लो यहां से यहां तक गई, तो यही तो डिस्टेंस दूसरे सेकंड में कहलाएगी, ठीक है। पहला ये, फिर पहले से स्टार्ट हुआ तो ये क्या आया, दूसरा, फिर दूसरे के बाद कौन सा होगा, तीसरा, ठीक है। अब तुमसे कहा गया तीसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली, तीसरे सेकंड में, तो तुम्हें क्या करना है, एन की जगह फिर 3 लगाओ। तुमसे पूछा गया दूसरे सेकंड में, तो एन की जगह, ठीक है, इंग्लिश में कैसे पूछेगा, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, ठीक है। अब यहां पर कैसे पूछेगा, 4 सेकंड में, ध्यान रखना 4 और 4th अंतर है, जहां 4th आ गया यही लगेगा और कोई इक्वेशन लगेगी नहीं, जहां 2nd आ गया यही इक्वेशन लगेगी, 5th आ गया यही लगेगी, 6th आ गया यही लगेगी, और जहां आ गया 6th तो इन तीनों में से कोई एक लगेगी, ठीक है। बल्कि ये तो लगेगी नहीं, इसमें टी है ही नहीं, तो यही दोनों, या तो ये लगेगी या तो ये लगेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। अब हाँ, तो ये होगा, जैसे मान लो इसने 3rd सेकंड में पूछा, तो एन की जगह क्या लगाओगे, 3rd, ए की जगह क्या लगाओगे सर, एक्सीलरेशन, यू क्या लगाओगे, प्रारंभिक वेग। अब सर ये प्रारंभिक वेग कौन सा है, ये वो प्रारंभिक वेग है जहां से तुमने इसे ड्रॉप किया है, जहां से तुमने इसे छोड़ा है वो ड्रॉप। जैसे मान लो मैंने इसे यहां से छोड़ा और इसने 3rd सेकंड में ये डिस्टेंस चल, ठीक है, तो इसका प्रारंभिक वेग ये माना जाएगा यू बराबर जीरो, यू बराबर क्या माना जाएगा, जीरो, ठीक है। फिर ये ऐसा रहता है, तो ये होगा, और ये होगा कि कितनी डिस्टेंस तुमने चली है, कितनी डिस्टेंस चली, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने, तो ये इक्वेशन याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि कल पता नहीं तुम लोगों में से किसकी बारी आ जाएगी बताने की, ठीक है, अपन पूछ सकता है ना कुछ भी। चलो कुछ क्वेश्चन अपन देखता है इसमें,
इट कम्स टू रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. कैलकुलेट द रिटार्डेशन बाय द ब्रेक. बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें. सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन में कहा गया, अब देखो तो क्वेश्चन करते कैसे हैं. फिजिक्स में सबसे पहले ये जान लो कि हम लोगों को क्वेश्चन करना तो करना कैसे है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करना है पहले ये जान लो अच्छे से. देखो ऐसा है कि सबसे पहले फिजिक्स का एक सिंपल सा फंडा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है. क्या कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, ये कर दो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा. ठीक है. अच्छा दूसरी चीज, अपनी स्पीड को मेंटेन करना. अभी जब टेस्ट होगा तो लोगों के स्टार्ट होंगे, तो स्पीड को मेंटेन करना. 200 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे टेस्ट में. अब 200 क्वेश्चन को तुम लोगों को ऐसे ट्राई करना है कि क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करो. पता चली खाली तुमसे बायोलॉजी हो पाई 3 घंटे, बाकी ना तो तुमने केमिस्ट्री ले ली, और जब केमिस्ट्री नहीं लेगी तो फिजिक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना. तो उस चीज़ को भी मतलब अपनी स्पीड को तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा. और मेंटेन स्पीड कब होती है, जब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेपर दो. कम से कम मैं कह रहा हूँ तुम एक साल में 50 पेपर दे दो बड़े आराम से. 50 तो दो ही दो, 50 अगर 50 पेपर दोगे तो तुम्हारी स्पीड बहुत आराम से मेंटेन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. 50 पेपर दोगे कोई. और दो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें. पहली चीज़ ये है, तुम चाहे यहाँ पढ़ो, ठीक है, चाहे तुम कोटा पढ़ो, चाहे तुम दिल्ली पढ़ो, कहीं पढ़ो, सही है, कोई तुम्हें वो घोट के नहीं पिला देंगे. तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता रहती है कि अरे अपन कोटा चले जाते. लास्ट ईयर नवोदय के कुछ बच्चे कोटा गए थे, मैंने उनके हाल देखा, इतना बुरा हाल था. उससे अच्छा तो नहीं जाते, अपने आप पढ़ते तो ज़्यादा नंबर आ जाते, सही है. ये मैं और जगह भी देखता हूँ. अब सफल तो वहाँ भी बच्चे होते हैं और सफल यहाँ भी बच्चे होंगे, सफल तुम लोग भी होंगे, लेकिन डिपेंड ये कर जाता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है. मैंने तुमसे कहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ पर क्या है तुम लोग इतना कवर नहीं कर पाते. अब मैंने तुमसे कहा मान लो 50 क्वेश्चन करना, सही है. अब तुम जरा सोचना, अगर यही वो क्लास होती जिसमें हर बच्चे से 1.5 लाख रुपये फीस ली जाती, तुम सब लोगों से एक एक बच्चे से 1.5 लाख रुपये पहले काउंटर पे जमा करा लिए होते फिर तुम आते, और परसों जो मैंने कहा था वो तुम सब नहीं करते, सब करते, एक कहीं से करते, सब पढ़ते जो पढ़ के नहीं आए, समझे. बस यही एक डिफरेंस रह जाता है जो कि हम लोगों का सिलेक्शन उतना अच्छा रेशियो नहीं है. मैंने तुमसे कहा कि मान लो पूरी साल में तुम्हें कम से कम 50 तुम्हें पूरी साल में कम से कम 50 टेस्ट पेपर लगाओ ही लगाओ, ये काम है तुमसे. तो 50 टेस्ट पेपर लगा दोगे बहुत आराम से सारी की सारी चीज़ें समझ में आने तुम्हारे आने लगेगी. अब जरा से मैंने कहा जो रेट है, यानी कि जो रेट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, वो क्या है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भाई यही तो एक्सेलरेशन दिया है. अच्छा तुमसे कहा गया उसने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई किए और कितनी डिस्टेंस चल के वो रेस्ट पे आ गया, भाई कितनी डिस्टेंस चल के किस पे आ गया, रेस्ट पे, कितनी डिस्टेंस चल के रेस्ट पे आ गया, ठीक है. तो हाँ एक मिनट, इसने यही दिया है रेट ही है, कुछ और भी क्वेश्चन नहीं. अच्छा ये है, ये कार इज मूविंग, ये है यहाँ पर स्क्वायर नहीं मीटर पर सेकंड. अब अगर वहां पर स्क्वायर नहीं है तो ये किसका है बेटा, देखो उसने ये कहा, एक मेरे पास में कार है, वो कार चल रही है, कार चल रही है, कार की स्पीड क्या है 18 मीटर पर सेकंड, तो ये प्रारंभिक वेग हो गया उसका 18 मीटर पर सेकंड.
उसने कहा, उसने जब यहाँ पर ब्रेक मारी, ब्रेक मारने के बाद में, ब्रेक मारने के बाद में भी ये कितनी डिस्टेंस चली, 100 मीटर चली, और 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद ये रुक, रुकने का मतलब क्या हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया इसका, जीरो। सही है, रुकने का मतलब अंतिम वेग इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। और तुमसे पूछा क्या है, रिटार्डेशन। बेटा रिटार्डेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं मंदन। क्या बोलेंगे इसे, मंदन। ठीक है, हिंदी में मंदन बोलेंगे। अब जरा सुनो सर, यू पता है, पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एस पता है, ए पूछा है, मंदन का मतलब है ए पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगा, पहला तो लगेगा नहीं, पहली क्वेश्चन नहीं लगेगी क्योंकि उसमें एस है ही नहीं लगेगी, या तो दूसरी लगेगी या फिर तीसरी। दूसरी में टी आता है, दूसरी में क्या आता है, इसमें कहीं टी है नहीं है, अब कौन से पार है, टी से। तो तीसरी इक्वेशन हमारी क्या लगती है सर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए। अंतिम वेग उसने कहा जीरो हो गया, प्रारंभिक वेग 18 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है निकालना है, कितनी डिस्टेंस चला, 100 मीटर। ठीक है, इसे उठा के जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 200 ए गुणा कर लो, माइनस का 200 ए, 18 में 18 कितने होते हैं बोलो, हैं सही बता रहे हो, पता मुझको भी नहीं, 64, 8 है कम 8 और 6, 8 और 6 कितने हो गए, सही है, प्लस वो प्लस कह रहा हूँ वो 18, 8, 2, 324 है, सही, ये आया बेटा 324। अब तुम सोचना, अगर तुम्हें ए निकालना है तो 324 बटे, 324 बटे माइनस का 200, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे यहाँ क्या बचेगा, 100, यहाँ 2 से, 2 एकम 2, 2 छन 2 दूनी। अब देखो एसेलरेशन क्या आया, अगर तुम देखो इसको माइनस है, माइनस चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, 100 से भाग दोगे, 100 से भाग देने का मतलब है 1.6, ठीक है, 100 से भाग दोगे तो 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। अब बस एक बात और ध्यान रखना, कहीं भी अगर कहीं भी मंदन दिया है, मंदन का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। अगर कहीं भी मंदन पूछे तुमसे तो एसेलरेशन हमेशा किसका आएगा, माइनस का, लेकिन माइनस को तुम खत्म कर देना, माइनस को क्या कर देना, जैसे मान लो तुमने कुछ, तुम कहीं गए, तुम्हारा हानि हो गया, लॉस हो गया, तुमने मान लो तुम्हारा 500 रुपए का लॉस हो गया, तो तुमसे कोई पूछेगा कितने का लॉस हुआ, तो तुम क्या बोलोगे, माइनस 500 बोलोगे क्या, सीधे 500 बोलोगे, क्योंकि लॉस का मतलब है लॉस उसने पहले ही नेगेटिव लगा दिया, लॉस क्या लगा दिया, पहले ही नेगेटिव लगा दिया। ऐसे ही जब इसने पहले ही बात मंदन की कर दी है, पहले ही बात मंदन की कर दी है, तो ये माइनस हम नहीं लगाएंगे, हम क्या बोलेंगे कि रिटार्डेशन कितना है, 1.62 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा इसका मतलब। सही है, छोटा सा क्वेश्चन था, इस टाइप से ये ऐसे हो जाता है, कर लो गई। ठीक है, फिर हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पर, जरा सोचना ये बात भी ध्यान रखना आप लोग, अगर मैं कोई भी चीज को, किसी भी चीज को ऊपर से फेंक दूं, ये चीजें ऊपर से मैंने ड्रॉप किया, अगर किसी चीज को मैं एच हाइट से ड्रॉप करूंगा, मैंने कहा मान लो यहाँ पर मेरा पास एक स्टोन था, ये मेरे पास ग्राउंड है, यहाँ से जो ये हाइट है ये एच है, इसे मैंने ड्रॉप किया है,
ड्रॉप का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, जीरो हो गया। ड्रॉप का मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया, अगर मैंने इसे ड्रॉप किया है, अब मैं तुमसे कहूं कि कितने टाइम में ये इस जमीन से टकरा जाएगा, कितने समय में ये जमीन से टकरा जाएगा अगर किसी चीज को मैं ड्रॉप करूंगा, तो उसमें सबसे पहले तुम्हें कुछ फंडा देखना है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब जरा सोचो, तुम अभी बोले, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे, तो जो त्वरण होता है, त्वरण वो हमेशा प्लस जी होता है, वो हमेशा क्या होगा, प्लस जी। अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी, हाँ आपको कहाँ जाना है, कब बुलाना है, हैं पहले उनको पूछ के आओ, ठीक है। अगर कोई भी चीज, ध्यान रखो, अगर कोई भी चीज ऊपर से ऐसे ड्रॉप की जाती है, ड्रॉप की जाएगी कहाँ गिरेगी, नीचे नीचे, तो हमेशा और हमेशा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण जो होता है वो बच्चों प्लस जी होता है, प्लस जी होता है। अगर कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, हाँ हाँ जाओ, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो त्वरण होता है माइनस, क्या रहेगा, माइनस। अरे बताओ सर, हम लोग याद कैसे रखेंगे, अभी तुम लोगों ने पीछे ही बोला था, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो तुम लोग पीछे ही बोले थे, तुम बोले थे अगर हम किसी चीज को ऊपर से नीचे डालते हैं, मतलब ऊपर से छोड़ते हैं नीचे की ओर, तो उसके वेग में वृद्धि होती है। और तुम बोले सर अगर वेग में वृद्धि होगी, अगर वेग में वृद्धि होगी इसका मतलब है उसका त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव। त्वरण क्या होगा, और धरती किसी भी चीज को, सिर्फ तुम्हारी धरती, धरती किसी भी चीज को प्लस जी से अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर कहां, अपने केंद्र की, अपने केंद्र की, ठीक है, अपने केंद्र की ओर किससे खींचती है, प्लस जी से। तो देखो ऊपर से नीचे आएगी तो प्लस जी, अब जाहिर सी बात है जब सब कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो वेग में क्या होगी, कमी। अब जब वेग में कमी होगी तो त्वरण किसका होगा, माइनस का, माइनस का होगा यानी कि क्या होगा सर, माइनस जी होगा, क्या होगा, माइनस जी होगा, ठीक। मैंने कहा चलो सही है ये बात तुम लोग बोलोगे, अब मुझे लगा अब मुझे क्या करना है, अगर कोई चीज मेरे ऊपर से नीचे आ गई, सही। अब इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन क्या होती थी, b इक्वल टू यू प्लस at, अब at की जगह क्या रखोगे, भाई ऊपर से नीचे आ रही है तो at की जगह क्या रखूंगा, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, एसंथ बराबर यू प्लस एसंथ बराबर यू प्लस जी बाई टू टू एन माइनस, सही है, टू एन माइनस। अब सभी देखो इसमें कैसे होगा, बी इजिकल टू यू, अब तुरंत किसका है, माइनस का, तो माइनस का है तो क्या लगेगा, माइनस का अगला हो जाएगा एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी, अगला है बी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस टू जी एस, एसंथ बराबर u माइनस जी वाई टू टू एन माइनस, ये तुम्हारी इक्वेशन है, यही वही चार इक्वेशन जो ऊपर से नीचे कोई चीज आ रही है या छोड़ी गई है स्वतंत्र रूप से, अब ध्यान रखना स्वतंत्र रूप से छोड़ी गई है, ठीक है, क्या ये इक्वेशन लिफ्ट के लिए लागू होगी, लिफ्ट में चले तुम लोग, लिफ्ट के लिए लागू होंगी क्या, नहीं, ठीक है, ये तभी लागू होती है जब कोई चीज स्वतंत्र रूप से गिर रही हो, फ्री फॉल हो रहा हो, इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है,
स्वतंत्र रूप से मतलब अगर मैं इसे स्वतंत्र रूप से ऐसे ग्राउंड नीचे गिरेगा तो इसे बोलेंगे, तभी ये इक्वेशन लगेंगी। अब लिफ्ट है, लिफ्ट में तुम लोग बैठ गए तो क्या तुम पे ये लगेगी? नहीं, तब लगेंगी जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, लिफ्ट की रस्सी ही टूट जाए। हाँ, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तब लगेंगी ये, क्योंकि तब तुम फ्री फॉल तरीके से आराम से है ना, तब आ रहेगा। लिफ्ट भी अच्छी चीज है ना, लिफ्ट में अच्छा ही बहुत लगता है। और फिर उसमें एक साउंड बोलता रहता है, पता नहीं कौन सा, बात तक समझ में नहीं आया कौन सा साउंड बोल रहा है लिफ्ट में, थोड़ा आलसी भी बनाता है लिफ्ट। तो तुम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने का, जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा तुम लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखो सर जी, अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं। मैंने कहा मैंने किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप किया, ठीक है, फ्री फॉल मैंने ड्रॉप किया, कितने समय में यहां से लेके यहां टकरा जाएगी? तो मुझे प्रारंभिक वेग पता है, मैंने तुमसे क्या पूछा सर? समय। मुझे दूरी पता है, अरे h पता है, कितनी दूरी चलना है h। अब देखो मुझे क्या क्या पता है, और ऊपर से नीचे आ रही है तो मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, त्वरण भी पता है, क्या है जी, सोचो मोशन की कौन सी इक्वेशन है, ऊपर से नीचे आ रही है इनमें से कौन सी लगाऊं? सर मुझे s पता है, क्या मुझे अंतिम वेग पता है? नहीं, मुझे s पता है, प्रारंभिक वेग पता है, t भी पता है, तो मैं कौन सी लगाऊंगा? सेकंड इक्वेशन, s बराबर u प्लस हाफ जी बी, कितनी दूरी चलना है मुझे? h। प्रारंभिक वेग सर मेरा कितना है? जीरो, क्योंकि मैंने ड्रॉप किया है, ठीक है। और बेटा जीरो से किसी चीज की मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या देने को मांगता है? ठीक, हाफ जी टी स्क्वायर, टू की h से गुणा करो 2h जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर 2h अपॉन, तो टी बराबर अंडर रूट 2h अपॉन, ठीक है। ये याद करो, ये कम से कम दसों जगह आएगा फिजिक्स में अगले चल के, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यही आएगा, ठीक है। 2D मोशन कराएंगे तब भी ये आएगा, क्या सिंपल सा बस एक बात याद रखना है, अगर तुम किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ोगे तो वो कितने समय में जमीन से टकराएगी? अंडर रूट 2h अपॉन सिंपल, ठीक है, कितने समय में जमीन पर टकरा जाएगी? अंडर रूट 2h अपॉन, अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर की ओर फेंकूंगा, वर्टिकली मतलब ऊपर की ओर फेंक, ठीक है। अब सोचना, अगर मैंने किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की ओर फेंका, ठीक है सर, अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर फेंकूंगा तो मैं पहले फेंकने के लिए कुछ वेग दूंगा प्रारंभिक वेग, जिसे क्या बोलूंगा मैं? यू। अब सोचो कोई वस्तु कब तक ऊपर जाती रहेगी? जब तक उसका अंतिम वेग क्या नहीं हो जाता? सर अंतिम वेग उसका हो गया शून्य, तब तक जाएगी, तो जब तक जाएगी तो कुछ ना कुछ ऊंचाई तो हासिल करेगी,
कुछ ना कुछ क्या करेगी, ऊंचाई हासिल करेगी। जैसे मान लो ये था, अगर मैंने इसे यहाँ से ऐसे फेंका कुछ गई, तो मान लो ये यहाँ तक गई, ठीक है, मैंने यहाँ से कुछ वेलोसिटी दी ऐसे, तभी तो ऊपर गई, वेलोसिटी दी तो यहाँ पर जाके इसका अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद में कहाँ आ गई, नीचे आ गई, ठीक है। अच्छा, अब सोचो ये कितनी ऊंचाई तक गई, एच ऊंचाई तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगा, कुछ ना कुछ समय लगा। तो मैं कहूँ बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में सबसे पहले समय कितना लगेगा। अच्छा, एच ऊंचाई ऊपर से छोड़ दू तो नीचे आने में कितना समय लगता है, अभी देखो अंडर रूट टू एच अपॉन सही है। अब नीचे से मैंने यू वेलोसिटी से फेंका है तो ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो गई, तो कितना समय लगेगा, अंतिम वेग जीरो, प्रारंभिक वेग यू, कितनी दूरी चला है माइनस एच, ठीक है। कौन सी मोशन की इक्वेशन लगाऊं सर, कौन सी मोशन की इक्वेशन लगाऊं जिसमें समय भी आ जाए, समय भी आ जाए। तो बोलो एस बराबर यू टी माइनस, ये बात बिल्कुल सही हो रही है, ऊपर जाना है तो क्या लगाऊंगा, माइनस हाफ जी टी, ठीक है, यही तो लगेगा। अब देखो कितनी दूरी चल रहा है इसको, एच, प्रारंभिक वेग क्या है, यू, ठीक है। अच्छा, समय हो गया टी, ये आ रहा है ना, तब तो अच्छा ये और कोई इक्वेशन से हो सकता है क्या, अगर पहली लगाए b इक्वल टू u प्लस at, हाँ उससे हो जाएगा, इसमें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, दो घात समीकरण, ठीक है, दो घात समीकरण बन जाएगी। इससे देखो b b इक्वल टू u प्लस at, लेकिन ऊपर आ रहा है तो a की जगह क्या हो जाएगा, माइनस जी टी, फाइनल अंतिम वेग क्या हो गया, प्रारंभिक वेग क्या है, माइनस जी टी। अगर टी निकालूंगा तो सर इधर लाऊंगा तो ये प्लस का ये, तो समय आ गया यू अपॉन एस, तो हाँ तो मुझे समय निकालना था, मुझे समय निकालना था, समय निकालना था। तो अब मेरा जब इनसे काम चल गया, मान लो मेरा यू से काम चल गया, इससे काम चल गया, अब अगर हम लोग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी इस बार लगा रहे थे वो उससे भी जाता, लेकिन वहां पर बन रही है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो वो और टिपिकल बन जाती है। उसमें दो मान आते हैं टी के, एक मान आता नेगेटिव में, एक मान आता पॉजिटिव, तो टी का मान नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता था, तो फाइनल जो अंतिम मान आता पॉजिटिव का वो आता यू अपॉन जी, यू अपॉन जी यही आता, ठीक है, इस टाइप से ऐसे रहता। तो तुम अब ये समझो कि अगर तुम नीचे से किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो कितनी कितना समय में अपने कितने समय में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, यू अपॉन, सही है। अब जितना समय इसे जाने में लगेगा उतना ही समय इसे आने में लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइटिंग क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइटिंग टी इज इक्वल टू जाने में टी और आने में भी टी, यानी कि टू टी, टू टी का मतलब हो गया टू यू अपॉन जी, कितना समय लगेगा जाने में और आने में, टू यू अपॉन जी। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जी का मान सबको पता है ना, जी का मान कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड, इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली हम किसके बराबर लेते हैं, 10 के बराबर लेते हैं, हम 10 के बराबर लेते हैं, ठीक है, सही। अब तुम बताओ पीछे तीनों महारथी, अगर मैंने किसी चीज को 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, किससे फेंका है, कितने समय में अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, कितने समय में अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, तुम तीनों बताओ, कितने समय में अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। अरे सती देखो ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने का फॉर्मूला यही तो था, यही तो था, किससे फेंका है मैंने,
और जी की वैल्यू 10 मान लो, कितना आया? 10 सेकंड। कितना आया? 10 सेकंड में पहुंच जाएगी, 10 सेकंड में पहुंच जाएगी, 10 सेकंड में क्या आ जाएगी? वापस, यानी कि 20 सेकंड में आ जाएगी। तुमसे कहा गया बताओ 40 मीटर पर सेकंड से किसी चीज को फेंका है, कितने समय में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी? 4, 10 से भाग कर दो, किसमें पहुंच जाएगी? 4 में पहुंच जाएगी, 4 में पहुंच जाएगी और 4 में क्या आ जाएगी? बेचारी वापस आ जाएगी, 4 में जाएगी और 4 में क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट, अगले बार द्विघात समीकरण आती है सभी को? द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो बता दे, सेकंड की स्पीड से किसी चीज को ऊपर की ओर फेंका गया, बताओ कितने समय में जमीन से टकरा जाएगा? 10 सेकंड में। अरे 5 में तो ऊपर जाएगा, फिर 5 में कहाँ आएगा? नीचे आएगा। 10 में तो आएगा। एक बात और याद रखना, जितनी भी यहाँ पर बातें चल रही है, चाहे बंडी हुई चाहे टूटी हुई, वन डायमेंशन चाहे टू डायमेंशन, सब में एयर रेजिस्टेंस जीरो है। एयर रेजिस्टेंस समझ रहे हो? वायु का प्रतिरोध, वायु का प्रतिरोध। एयर रेजिस्टेंस जीरो होता है क्या? जीरो होता है। एयर रेजिस्टेंस में ताकत होती नहीं होती है? ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस की ताकत चेक करनी है ना, तो अभी मौसम सही चल रहा है, ठीक है, खेत में जो काम कर रहा हो चली काट के लाना और इधर से आ जाए आंधी जिधर तुम जा रहे हो, फिर तुम खींचना, तब तुम्हें पता चलेगा एयर रेजिस्टेंस कितना। तो पैदल भी नहीं चलेगी, साइकिल खींचती। अब जो गांव में रहा हो, पता हो, खींची हो, उसे पता होगा, ठीक है, नहीं तो एयर रेजिस्टेंस तुम देख लो, पैरा ग्लाइडिंग होती है वो पूरा एयर रेजिस्टेंस के थ्रू ही होती है, पूरे का पूरे आदमी को, दो दो आदमी को बजे तो आराम से धीरे 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 मैनेज करते हैं, पैरा ग्लाइडिंग होती है ना, देखिए पैरा ग्लाइडिंग टीवी पर देखी होगी उस चीज। चलो अब देखो एक क्वेश्चन, सर जी अब सोचना, नीट क्या तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका कितने समय में जमीन से टकरा जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सही है, नहीं पूछेगा भाई, किसी कीमत पर नहीं पूछेगा, और अब तक तो पूछ भी लेगा, अब तो कतई नहीं पूछेगा। तुमने पेपर आउट करा दिया, पेपर आउट करा के फिर तुमने हुल्ला कर दिया कि इतना सरल पेपर दिया कि 67 बच्चों के पूरे पूरे आ गए, समझ रहे हो, अब उसे आ गई है जिद, बोले बताओ 67 के पूरे पूरे आ गए, अब की एक की भी नहीं आने दूंगा, रख देगा पूरे में पूरे पेपर, ठीक है, जैसे IIT एडवांस का पेपर होता है, IIT एडवांस में तुम पता है जिसके 33% नंबर आ जाते हैं ना उसे IIT मिल जाता है, 33%, 360 का, जैसे 360 का पेपर है, 360 में जिस बच्चे के 110 नंबर आते हैं, 110 360 में से उसे IIT मिल जाता है। IIT वालों को बहुत मजे हैं, जैसे मान लो उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ रही है, केमिस्ट्री में उन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ी, इनऑर्गेनिक पढ़ी, फिजिकल पढ़ी, अब उन्हें मान लो फिजिकल समझ में ही नहीं आ रही है, पूरी फिजिकल छोड़ देते हैं, पूरी फिजिकल छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें कौन से 300 में से 280 नंबर लाने हैं, हमें तो 300 में से हमारे 150 आने हैं, बहुत बड़ी बात है, समझे, और 150 पे ही हमें कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन नीट वालों के साथ क्या है, अगर उन्होंने एक चैप्टर भी छोड़ा और उस चैप्टर से दो क्वेश्चन आ गए तो लुटिया बोले है, क्योंकि एक एक नंबर पर रैंक ऐसे जाती है ना, कतई ऊपर हाई फाई तरीके से बढ़ती है, एक एक नंबर पर रैंक बढ़ती है, ठीक है, तो वही है, तो इस बार पेपर टफ आना। अब सर क्या क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा? नहीं पूछेगा, इस बार नहीं पूछेगा। अब फिर नहीं पूछेगा तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन कहेगा, तुमसे कहेगा ए बॉल इज थ्रो अपवर्ड्स